कल जनसुनवाई में जो कृष्णा हैं, ये कृष्णा पाठक ये आए थे और इनके द्वारा पहले भी आते रहे हैं, मेरे पास ही मिले थे एक बार आके। तो गरीब थे, तो गरीबी रेखा कार्ड की उन्होंने डिमांड रखी थी, तत्काल हम उन्होंने बनवा दिया था इनके लिए। द्वारकापुरी के पास साई बाबा नगर निवासी हैं ये, और ये इनकी जो मांग थी वो उनके दादा का या किसी नाना का मकान का नामांतरण का इशू था जो नहीं हो पा रहा था, उसको लेके व्यथित थे। तो बाहर कुछ आवाज़ तेज़ी से कर रहे होंगे और अंदर सभी ADMs जनसुनवाई कर रहे थे। उसमें हुआ कि भाई कौन बाहर इतनी तेज़ आवाज़ में बात कर रहा है, तो ये मालूम पड़ा कि एक कोई दिव्यांग है वो कर रहे हैं। तो उनको व्हीलचेयर दी गई, व्हीलचेयर दे के अंदर बुलाया गया। अंदर बुलाने पे जब वो पवन जैन के पास में आए तो उन्होंने फाइल वहाँ पर रखी टेबल पे, उन्होंने थोड़ा तेज़ी से रखी और मोबाइल भी शायद रखा। अब एग्जैक्टली उसका उस समय का जो मुझे अधिकारियों ने बताया है कि इस प्रकार से रखा मोबाइल कि उसका कवर टूट करके और ADM के सामने लगा उनको कहीं शायद, उस पर से। बट नेचुरल है कि थोड़ा बहुत अधिकारी वो होते हैं कि उत्तेजित होते हैं, तो उत्तेजना भी हुई ADM में। अधिकारियों ने समझा हम जाके उनको फिर बैठाया वापस जो है, पर शायद बाहर जब लेके गए तो कुछ उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, जिसको कि मीडिया के लोग रहते हैं जनसुनवाई में और उन्होंने पूरा कैप्चर किया और समाचार पत्रों में भी आज आया। तो मेरे द्वारा भी जो पूछताछ की गई तो उसमें थोड़ी बहुत उसके साथ कुछ किसी के द्वारा एक आध झापड़ मारने की कार्रवाई जरूर की गई थी, ऐसे मुझे मालूम पड़ा है। इसमें कोई इसका अभी तक मुझे वीडियो शॉट नहीं मिला है, किंतु ऐसी जानकारी मेरे अधिकारियों द्वारा दी गई है मुझे। उस पर से जो खबर आई थी अखबारों में, जो कि मीडिया रहती है जनसुनवाई में, तो खबर आई थी उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया कुछ पुलिस के मैटर्स को लेकर। 10:30 बजे VC थी, उसमें कुछ जिलों के हम लोग कलेक्टर्स जुड़े हुए थे, तो खास समाचार पत्र कटिंग पर उनके द्वारा मुख्यमंत्री जी द्वारा पूरी जानकारी प्राप्त की गई। हम लोगों ने बतलाया ये, और ये भी बतलाया कि उसके द्वारा क्या किया गया था, जो जिस वजह से हमारे ADM थोड़ा उत्तेजित हुए और उसके कारण थोड़ा बहुत उसका असुविधा भी हुई बौद्धिक दिव्यांग को। और जो दिव्यांग व्यक्ति थे वो जनरली सामान्य तौर पर हम लोग दिव्यांगों को लेकर के बहुत संवेदनशील रहते हैं। बहुत सारी योजनाएं सरकार ने चला रखी है, अब संख्या भी दिव्यांग जो कैटेगरी बनाई है सरकार ने जिनको लाभ प्राप्त हो सकता है, वो संख्या भी 30 से अधिक हो चुकी है। अलग अलग कार्यक्रम समय समय पर दौरों में कराते रहते हैं और कहीं ना कहीं बौद्धिक दिव्यांगों को या फिजिकली चैलेंज जो हमारे रहते हैं दिव्यांग, इनको हम लोग बहुत ही संवेदनशीलता से और सॉफ्टली डील करते हैं, क्योंकि थोड़ा उत्तेजना इनमें हमेशा रहती है। जब भी कोई दिव्यांग मिलता है तो ये मान के हम लोग चलते हैं कि उसको बहुत ही स्नेहपूर्वक उसको टैकल करना है, और क्योंकि वो बहुत बड़ी समस्या से गुजर रहा है व्यक्ति।